ही मैदान से बिगुल बजना चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान का। पीएम मोदी का ये बयान करीब 10 साल पुराना है। आज से करीब 10 साल पहले पीएम मोदी ने अपनी चुनावी सभा में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन कांग्रेस मुक्त करते करते आज 10 साल बाद पीएम मोदी विपक्ष मुक्त भारत बनाने में जुटे हुए हैं। OPPOSITION, ओपोजिशन यानी विपक्ष, ये महज एक पॉलिटिकल शब्द नहीं है, बल्कि आप इसे लोकतंत्र की जान कह सकते हैं। विपक्ष के बिना लोकतंत्र के कोई मायने नहीं होते। एक एक कर विपक्षी पार्टियों को निपटाया जा रहा है। कहीं बिहार की तरह तख्तापलट हो रहा है, तो कहीं झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा रहा है। कहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम के बाद अब मुख्यमंत्री केजरीवाल के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो कहीं लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव को ईडी के समन पर समन भेजे जा रहे हैं। कई विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार तोड़ी जाती है, तो कहीं ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर विपक्षी नेताओं को चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की अगुवाई में विपक्ष मुक्त भारत बनाने की हर मुमकिन तैयारी हो रही है, लेकिन क्या भारत जिसे पीएम मोदी खुद लोकतंत्र की जननी कहते हैं, वहां विपक्ष के बिना लोकतंत्र के कुछ मायने रह जाएंगे? क्या एक देश एक चुनाव की बात करने वाले पीएम मोदी एक देश एक पार्टी के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं? इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले हमें खुद संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से समझना चाहिए कि लोकतंत्र में ओपोजिशन कितना अहम हो जाता है। 22 दिसंबर 1952 को पुणे में संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष क्यों अहम है, इस विषय पर बोलते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संसदीय लोकतंत्र शिक्षित जनमत के लोगों के बिना नहीं चल सकता। सही ढंग से कार्य करने के लिए सरकार और संसद दोनों को पता होना चाहिए कि जनता की राय क्या है। इसे स्पष्ट करने के लिए शिक्षा और प्रोपेगेंडा में अंतर करना जरूरी है। यदि संसद के निर्णय की आवश्यकता वाले किसी भी मामले के संबंध में लोगों के सामने पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रस्तुत करना आवश्यक है, तो ये स्पष्ट है कि अस्तित्व में दो पक्ष होने चाहिए। तानाशाही से बचने के लिए दूसरी पार्टी की जरूरत है। जब केवल एक ही पार्टी होती है तो अधिकारी अपने राजनीतिक प्रमुख, जिसे मंत्री कहा जाता है, उसकी दया पर निर्भर होता है। मंत्री का अस्तित्व मतदाताओं को खुश करने पर निर्भर करता है, और अक्सर मंत्री को मतदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारी को गलत काम करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। अगर कोई विपक्षी दल होता तो मंत्री की इस हरकत को उजागर कर देता और उत्पाद बंद हो जाता। शायद अच्छे प्रशासन के बाद लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गिरफ्तारी से मुक्ति चाहते हैं। जब कोई विपक्षी दल होता है तो बोलने की स्वतंत्रता और कार्रवाई की स्वतंत्रता होती है। जब कोई विरोध नहीं होता तो उन्हें खतरा होता है, क्योंकि कोई भी ये सवाल नहीं उठा सकता कि किसी व्यक्ति विशेष को बोलने से क्यों रोका जाता है। यही कारण है कि एक विपक्षी दल आवश्यक है। उन सभी देशों में जहां संसदीय सरकार है, विपक्ष को एक राजनीतिक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, वरना सरकार तानाशाह हो जाएगी और लोगों के बोलने यानी अभिव्यक्ति के अधिकार पर भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यानी बाबा साहेब की माने तो संसदीय लोकतंत्र में एक पार्टी का राज हो जाना खतरनाक है, लेकिन मोदी सरकार कुछ इसी ओर बढ़ती जा रही है कि विपक्ष मुक्त भारत बन जाए। बीते 10 सालों में आपने देश के कई राज्यों में बनी बनाई सरकारों को गिरते हुए देखा होगा, विधायकों की खरीद फरोख्त देखी होगी, और बैकडोर से सत्ता हासिल करने की साजिश को भी आप सब ने बखूबी देखा होगा। जिस पार्टी को चुनाव में जनता ने नकार दिया, बाद में वही पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करके सत्ता में आ जाती है, जिसे जनमत से धोखा भी कहा जा सकता है। बीजेपी जहां सरकार नहीं बना पाती, वहां विपक्षी सरकारों को गिराकर सरकार बना लेती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्य है इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे वहां सरकारों को गिराकर सरकार बना ली गई। जहां विपक्ष सरकार बना लेता है, वहां नीतीश कुमार जैसे दल बदलू नेताओं के सहारे कुर्सी की बंदरबांट कर ली जाती है। लेकिन जो नेता मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं, उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बिहार में आप देखें कि किस तरह के हालात हैं। लालू यादव से तेजस्वी यादव से लगातार पूछताछ हो रही है। बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रियों पर जांच एजेंसियों की तलवार लटक रही है, बार बार उनको समन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के नेताओं को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, और जो
वहां पर शिवसेना है उद्धव गुट के, उसके नेताओं को भी लोग लगातार जो है जांच एजेंसियां बुला रही हैं। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई मंत्री जेल में हैं और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने की तैयारी है। नीतीश कुमार, लालू और तेजस्वी यादव को बीच मझधार में छोड़कर ही बीजेपी के साथ चले गए और अब मुमकिन है कि चुनाव से ठीक पहले लालू और तेजस्वी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि विपक्ष के नाम पर कुछ रहे ही ना। इसी कड़ी में झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से ठीक पहले एक वीडियो जारी किया, उसे सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भुयारी जमीन क्या, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा। लोकतंत्र में विपक्ष के बिना सत्ताधारी पार्टी निरंकुश हो जाती है और ऐसा लगता है कि मोदी सरकार भी निरंकुश ही हो गई है क्योंकि सरकार विपक्ष को बोलने ही नहीं देना चाहती। आपको याद होगा बीते दिनों संसद में भारी सुरक्षा चूक हुई थी, कुछ लोग संसद में दाखिल हो गए थे, उन्होंने हल्ला किया था, लेकिन जब इस मामले पर विपक्ष ने मोदी सरकार से जवाब मांगा, गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग की, तो विपक्ष के 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, यानी उनको कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था, संसद को विपक्ष मुक्त बना दिया गया था और कई जरूरी बिलों पर जब संसद में बहस हो रही थी उनको पेश किया जा रहा था तो विपक्षी सांसद अपनी राय तक जाहिर नहीं कर पाए थे। ये संसदीय परंपरा और संविधान की मूल भावनाओं के ही खिलाफ है क्योंकि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उनको संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने से ही रोक दिया गया था। अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र के क्या मायने रह जाएंगे। राजनीति अपनी जगह है लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार के कभी किसी विपक्षी सांसद की सदस्यता को रद्द कर देती है तो कभी किसी सांसद को सस्पेंड कर देती है, कभी किसी विपक्षी नेता को नोटिस भेजती है और कभी किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यह असल में लोकतंत्र का मखौल बनाने जैसा है। एक चीज़ और मज़ेदार है कि जिन नेताओं को बीजेपी वाले भ्रष्ट कहते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने बहुत सारे करप्शन के काम किए हैं, वही नेता जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है कि जो भ्रष्ट नेता उसके अंदर जाते हैं वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं, सफ़ेद पोश हो जाते हैं, लेकिन जो बीजेपी ज्वाइन नहीं करता, बीजेपी से सवाल पूछता है, वो भ्रष्ट हो जाता है और सारी जांच एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। ये गजब का दोहरापन है, बीजेपी की सरकार में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। विपक्ष का काम यही है कि सरकार की नीतियों और कामों पर देश के सामने उनसे जवाब मांगे, लिखित में मांगे, बोलकर मांगे, सरकार से जवाब मांगे और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने काम का लेखा जोखा पेश करे। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार के जो मन में आएगा वही सरकार करेगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए विपक्ष की भूमिका को कम करके नहीं आ जा सकता। भले ही आप किसी पार्टी को पसंद करते हो या ना करते हो, आपको वो लोग पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर विपक्ष नहीं है तो फिर निरंकुश हो जाती हैं सरकारें और उनके जो दिल में आता है वो करती है। जो आज सत्ता में है कल वो भी विपक्ष में थे, ये भी याद रखना जरूरी है, और जो आज विपक्ष में है हो सकता है कि कल वो सत्ता में हो। इसलिए देश की संसदीय परंपरा का पालन करते हुए हर विपक्षी आवाज़ को सुना जाना चाहिए।
मोदी सरकार इस मामले में सारी हदें पार कर रही है। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि चुन चुन कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अगर यही आलम रहा तो मोदी सरकार जिसे चाहेगी उसे संसद से उठाकर बाहर कर देगी, विपक्षी नेताओं को चुनाव से ठीक पहले उठाकर जेल में डाल देगी और जनता बस तमाशा देखती रह जाएगी। अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने साल 1950 में यूएस कांग्रेस में विपक्ष की भूमिका पर बोलते हुए एक जरूरी बात कही थी। वो कहते हैं, एक बार जब कोई सरकार विरोध की आवाज को चुप कराने लग जाती है तो उसके पास जाने का केवल एक ही रास्ता होता है और वो है तेजी से दमनकारी उपायों का रास्ता अपनाना। जब तक कि वह अपने सभी नागरिकों के लिए आतंक का स्रोत न बन जाए और एक ऐसा देश न बना ले जहां हर कोई डर में रहता है। इसलिए सरकार से सवाल पूछिए कि आखिर क्यों विपक्ष के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, आखिर क्यों चुनाव से ठीक पहले विपक्षी नेताओं को इस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है और आखिर मोदी सरकार विपक्ष मुक्त भारत क्यों बनाना चाहती है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर लिखें, बहुत ज़रूरी मसला है, इस पर आपको सोचना चाहिए। भले ही आप पार्टी को पसंद करते हो, नेता को पसंद ना करते हो, कुछ भी आपके ओपिनियन हो, लेकिन विपक्ष लोकतंत्र में ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो आज सत्ता में है हो सकता है कल वो विपक्ष में हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि जो विरोधी आवाज़ है उनको सुना जाए, वरना अगला निशाना नागरिक ही होंगे। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक अपील है कि अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारी मदद भी ज़रूर करें। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।